मुंबई की MIDC पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने किया फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। मामले में पुलिस ने किया 10 लोगों को गिरफ्तार, जबकि मौके का फायदा उठाकर 10 आरोपी फरार। अंधेरी MIDC इलाके में कोरोना नियमों का पालन न करते हुए फर्जी कॉल सेंटर का पुलिस ने किया भंडाफोड़। अमेरिकी लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाले लोगों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। पुलिस की छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क समेत कॉल सेंटर चलाने वाले उपकरण बरामद। पुलिस कर रही है सरगर्मी से फरार आरोपियों की तलाश। MIDC पुलिस स्टेशन के हाथी में मेरा कॉम्प्लेक्स AK रोड में सीनियर PI अंधेरी को एक गोपनीय इन्फॉर्मेशन मिली थी। वो गोपनीय इन्फॉर्मेशन मेरे साथ उसने शेयर किया था। फिर वहाँ पे एक फेक कॉल सेंटर चल रहे ऐसा गोपनीय इन्फॉर्मेशन थे। उस गोपनीय इन्फॉर्मेशन पे हम रात अंदाज 1 बजे वहाँ पे हमने रेड करने के लिए गए थे। फिर वहाँ पे रेड करने के लिए वहाँ पे अंदर जाने के बाद उसका बहुत बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स हुई थी और तकरीबन 1 से 15 लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। पालघर जिले के बिरार में विजय वल्लभ अस्पताल अग्निकांड मामले में पुलिस ने किया अस्पताल के निदेशकों एवं प्रबंधकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और अन्य कई धाराओं के तहत मामला दर्ज। मामले की जांच में जुटी पालघर पुलिस। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने विजय वल्लभ अस्पताल में मरने वाले कोरोना मरीजों के परिजनों से की मुलाकात। कहा, मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त होगी कार्रवाई। घटना के बारे में अरनाड़ा पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया है। मैनेजमेंट डॉक्टर और स्टाफ उनके खिलाफ ऑफेंस दाखिल किया है। जो भी इतनी तंदुरुस्ती होगी जो कार्रवाई होनी चाहिए। कोरोना संक्रमण के चलते कई लोगों का कारोबार बंद तो कई लोगों की चली गई नौकरी। इस बुरे दौर में थाने जिले के अंतर्गत आने वाले दीवा में रहने वाले एक कारोबारी की चमकी किस्मत। कोरोना संक्रमित कारोबारी राजकांत पाटिल को 5 करोड़ रुपए की लगी लॉटरी। ऑनलाइन 2000 रुपए के लॉटरी टिकट से चमकी राजकांत की किस्मत। लॉटरी लगने से पूरे परिवार में खुशी का माहौल। लॉटरी के पैसे से बिजनेस को बढ़ाएंगे राजकांत। कहा, लॉटरी लगना मेरे परिवार द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का फल। टिकट लागले तो आनंद ही झालाय। आधी विश्वास नव्हता या गोष्टीवर की एवढं मोठं तिकीट लागलं असेल, पण जेव्हा बघितलं यूट्यूबवर गेलं आणि त्यांच्या लिंक चेक केला तेव्हा ते सर्व समजलं तर खूप आनंद झाला। आणि मी माझ्या घरच्या लोकांनाही सांगितलं, रक्कम तर खूप मोठी आहे, आनंदही तेवढा मोठा झालेला आहे, पण जी काय मी समाजसेवा करते त्या समाजसेवेचं मला फल मिळालं आहे आणि हा फल मी योग्य त्या कामासाठी वापरेन। करोना काळात तर मी आधीही मदत केली होती ना, करत राहीन आणि यापुढे समाजाला काय माझा जो छोटा मोठा हातभार लागेल तो मी त्याचा सहकार्य नक्कीच करेन। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की वजह से शराब की दुकानें बंद। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की सनसनीखेज घटना। शराब की तलब लगने पर कुछ लोगों ने पिया सैनिटाइजर। 6 लोगों की मौत, कईयों की हालत गंभीर। जिला अधिकारी ने दिए जांच के आदेश। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सैनिटाइजर घेऊन मरण पावलेले याबाबत पुलिस स्टेशनच्या नोंदीमध्ये 3 लोकांची दफ्तरी नोंद आहे। इतर जे 4 लोक आहेत ते परस्पर त्यांच्या नातेवाईकांनी अंत्यविधी करण्यात आलेले आहेत त्यांची, आणि त्याच्यावर तपास सुरू आहे। दत्ता कौडोजी लांजेवार हे काल सॅनिटायझरने रात्रीला 10 वाजता त्यांची तब्येत खराब झाल्यामुळे त्यांना सरकारी हॉस्पिटलमध्ये भरती केली आणि डॉक्टरांना त्यांना मृत्यू घोषित केलं। त्यांना दारूचं व्यसन होतं आणि ते दारू आता बंदी असल्यामुळं ते काही मिळालं नाही त्यांना, त्याच्यामुळे सॅनिटायझरचं सेवन करून त्यांनी असं झालं आहे त्यांना। राज्य में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए प्रशासन सख्त। अमरावती महानगर पालिका के कमिश्नर प्रशांत रूड़े द्वारा कोरोना टेस्टिंग मुहिम तेज। कमिश्नर के आदेश पर अमरावती के बडनेरा रोड इलाके में रैपिड टेस्ट मुहिम जारी। ब्रेक द चेन मुहिम के तहत कमिश्नर और सहायक आयुक्त के मार्गदर्शन में कोरोना टेस्ट कैंप का आयोजन। मनपा सहायक आयुक्त विशाखा मोटघरे ने लोगों से टेस्ट कराने की अपील। आदेशान्वये दुपारी 11 नंतर जी लोक विनाकारण रस्त्यावरती असतात आपण त्यांना अडवू। मास्क नाही लावलेला आहे आणि नियमांचं पालन करत नाही आहे त्यांना थांबवून आपण त्यांच्या आरोग्य टेस्ट जेणेकरून
आदेश आहे ब्रेक द चेनचे त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करावी. देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर कहर. महाराष्ट्र में कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए ब्रेक द चेन मुहिम के तहत महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन लागू. महाराष्ट्र के वर्धा जिले में कड़क प्रतिबंध के बावजूद बढ़ रहे कोरोना मामलों ने बढ़ाई जिला प्रशासन की चिंता. पहले की अपेक्षा इन दो महीनों में बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या से स्थिति बनी चिंताजनक. स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मोहन सुटे ने दी जानकारी. तहसीलदार विद्यासागर चौहान का बयान. कहा वर्धा में लोगों की लापरवाही से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले. तहसीलदार ने की लोगों से कोविड 19 की गाइडलाइंस का पालन करने की अपील. आरवी में दो महीने पहले कोरोना का जो पॉजिटिविटी रेट था वो 4 था और अभी दो महीने बाद यानी अभी का जो करंट पॉजिटिविटी रेट है वो है करीब 9 तक पहुंचा है. तो सिचुएशन बहुत वर्स्ट है. ग्रामीण और रूरल दोनों एरिया से बहुत सारे पेशेंट डेली निकल रहे हैं. यहाँ फिर से हम कंटेनमेंट जोन लागू कर रहे हैं. आरवी में फिर से कोविड केयर सेंटर भी चालू हो गया है. लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म है नियम है वो लोग अभी भी फॉलो नहीं कर रहे हैं. हमने हमारा महसूल का पथक है, पुलिस डिपार्टमेंट के पथक है, नगर परिषद का पथक है, वो बहुत ये सब पथक बाहर लोगों के ऊपर जो मास्किंग की कार्रवाई कर रही है, दुकान शॉप जो रूल्स फॉलो नहीं करते उनको फाइन हम रिकवर कर रहे हैं. लेकिन फिर भी अभी ऐसे लोग हैं जो होम आइसोलेशन में है वो बाहर आके खुलेआम घूम रहे हैं या बाहर कुछ लोग मास्क भी नहीं पहन रहे. तो मैं सब लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा कि घर में रहो, लॉकडाउन का उल्लंघन मत करो और ज़्यादा से ज़्यादा मास्क हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करके सेफ रहो. महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए पुणे जिले के भोर तहसील में पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई. अत्यावश्यक सेवा में शामिल लोगों को छोड़ के पुलिस कर रही है धारा 144 के तहत कार्रवाई. भोर तहसील में बीते 24 घंटे में 100 से ज्यादा मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज. पुणे बेंगलोर नेशनल हाईवे से सटे गाँव में कोरोना का संक्रमण ज्यादा. पुलिस ने किया गाँव की सीमा को सील. साथ ही हाईवे पर खुले होटल और दुकानों पर पुलिस द्वारा की जा रही है कार्रवाई.